प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारतीय इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियां, एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि चैलेंज करेंगी ओवैसी को। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। असदुद्दीन अवैसी को मैं चैलेंज कर रही हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीन और हमास के समर्थकों को जो कोड़े बरसाए हैं और आज तक जेल की सलाखों के भीतर रखा है, उसके लिए अरब में जा करके असदुद्दीन अवैसी सिर्फ एक भाषण दे करके मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगी कि भाई ये कट्टर मुसलमान है, ये पक्का मुसलमान है, और मैं माफी मांग लूंगी कि तुम चिटिंगबाज मुसलमान नहीं। लेकिन औकात है? अरे चवन्नी छाप अवैसी, उसकी कोई औकात नहीं है कि वो अरब में जा करके उन हमास और फलस्तीन के समर्थकों के पक्ष में बात कर सके, कभी नहीं कर सकता है। चिट्ठे तो खुलेंगे भाई, अब तो चिट्ठे खुलेंगे, जितनी चोरी डकैती चिटिंगबाजी किया गया है उसके चिट्ठे खुलेंगे। क्या बोलता है अवैसी? मुसलमान बहुत गरीब है। हाँ मुसलमान गरीब है, मुसलमान पसमानदा है, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान जाहिल रह चुका है, पर किसकी वजह से? यही अवैसी मदनी बुखारी तौकीर की वजह से, यही है रीजन, इन्हीं की वजह से मुसलमान पसमानदा भी रह गया। मुसलमान आज भी गटर और नाले के पास लकड़ी का पटरा बिछा करके सोता है और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान दलित से पीछे शिक्षा में है, क्योंकि रेंज रोवर तो अवैसी के पास है, क्योंकि मर्सिडीज तो अवैसी के पास है, क्योंकि 9 करोड़ 27 लाख की संपत्ति तो अवैसी बताते हैं इलेक्शन कमीशन को कि उनके पास है, 2 करोड़ 75 लाख की संपत्ति उनकी अहलिया के पास है, उनकी अहलिया के पास है। उसके बाद फिर 36,250 स्क्वायर फीट का घर असदुद्दीन अवैसी के पास है, जिसमें से 17 करोड़ का इंटीरियर किया गया है, मोर देन 17 करोड़ का इंटीरियर किया गया है। तो शीश महल सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, शीश महल असदुद्दीन अवैसी के पास भी है। और ये जो अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है हमको जहर दे दिया जाएगा, तो भाई तुम इकरार कर लो ना कि क्यों तुम्हारे ही स्पीच में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, क्यों तुम्हारे ही स्पीच में औरंगजेब जिंदाबाद का नारा लगता है, क्यों तुम्हारे ही स्पीच में बाबर जिंदाबाद का नारा लगता है, क्यों तुम्हारे ही लोग अकबर जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये तो तुमको बताना पड़ेगा। साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि जो चेयर लेकर के तुम 1984 से लेकर के 2023 तक तुम बैठे थे, तो चार मीनार पे जो भेड़ बकरियों की तरह मुसलमान बेटियों का खरीद फरोख्त हो रहा था, उसमें कितना कटमनी जोड़ा अवैसी परिवार का था 1984 से लेकर के 2023 तक, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो करके और वहां का सांसद होने के नाते तुम्हें तो कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए थी कि हैदराबाद। नाज़िया जी, अब तो असदुद्दीन ओवैसी जब गली गली में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है तो जाकर दुकानों पर भड़काऊ बातें भी बोल रहे हैं, काट लो ये इस तरह की बातें भी बोल रहे हैं, ये नौबत आ गई है मतलब उनको माधवी लता को देखकर। देखिए माधवी लता को देख करके वो इतना परेशान हो चुके हैं, उनको अपने अपना चेयर हिलता हुआ नजर आ चुका है, उनको अपनी गद्दी जाती हुई नजर आ चुकी है, उनको मन कर रहा है कि वो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाए। आप सोचिए कि जो असदुद्दीन अवैसी औरतों का सलवार झांकता है, छोटी छोटी बच्चियों का सलवार झांकता है, ताकि वो पार्लियामेंट में जाकर ये बोल सके कि अमित शाह जी, मोदी जी एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, वो सलवार वाली को अभी उसको लेकर के डोर टू डोर कंपेनिंग करनी पड़ रही है। अब आप इसी चीज से सोच लीजिए कि अगर आप इसी चीज से बहुत घिन करती हैं और उसको आपको साथ में लेकर चलना पड़े तो कितना डर है, कितनी परेशानी है और कितना चेहरे पर माथे पर शिकन है। आपने असदुद्दीन अवैसी को पिछले 15 दिन से बिहार जाते हुए देखा, उत्तर प्रदेश जाते हुए देखा, आपने दिल्ली आते हुए देखा, आपने मध्य प्रदेश जाते हुए देखा, आपने बंगाल आते हुए देखा, नहीं देखा होगा। पर 2019 में आप देखिए, आपने देखा होगा 2019 में वो जगह जगह जाकर के अपने जितने भी कैंडिडेट थे उसका वो
प्रचार और इस भाषणबाजी कर रहा था, पर अभी वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि सामने जो खड़ी है वो माधवी लता है। वो तो शेरनी की तरह वहां पर दहाड़ रही है और इसी से शायद डरे भागे फिर रहे ओवैसी बंधु। लेकिन अब महिलाओं की बात कर रही हैं, मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हैं, अब उनको भी साथ में लेकर घूमना पड़ रहा है असदुद्दीन ओवैसी को। लेकिन यही ओवैसी जब संसद में महिला आरक्षण का बिल आता है तो उसका बहिष्कार करते हैं, तब वो कहते हैं महिला मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं की तो एक और दिक्कत है ना, एक केस आप भी लड़ रही हैं कि बंगाल में एक लड़की है जिसने ये गुहार लगाई कोर्ट से कि मुझे कम से कम 12वीं करनी दी जाए उसके बाद मेरा निकाह हो, तो ये भी तो मुस्लिम महिलाओं की कितनी बुरी दुर्दशा कहा जा सकता है, जिसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मुस्लिम महिलाओं को फ्रंट पर लाया जाए, उनको उनके अधिकार दिलाए जाए। देखिए आज भी बहुत सारे प्रवक्ता जो है वो समाजवादी पार्टी के और MIM के और कांग्रेस के सब बैठे थे, मैं बड़े नेशनल न्यूज पर थी डिबेट में सुबह की बात, 1 बजे की बात बता रही हूँ, और मैंने उनसे यही कहा एंकर जी से कि देखिए पसमानदा मुसलमान और मुसलमान बेटियों के दर्द पीड़ा को अगर किसी ने समझा है तो भारत में पहली बार मोदी जी ने समझा है। 3 तलाक से लेकर के पॉलीगेमी हलाला से लेकर के निकाह मुत्ता मसियार से लेकर के यूसीसी को ला करके मुसलमान बेटियों के को अश्लीलता के नंगे बाजार से हिफाजत करके उनको सिक्योर करके बाहर निकालने का काम अगर बीड़ा किसी ने उठाया है तो वो मोदी जी है। तो 400 पार तो होना ही है, लेकिन 411 सीटें मुसलमान बेटियां शगुन के तौर पर मोदी जी को देना चाहती हैं। 400 तो वो अपने होमवर्क से लेकर आ रहे हैं, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने जनता के लिए किया है, जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो उन्होंने देश के हित में किया है, वो तो वो उनको मिलेगा, लेकिन 11 सीटें मुसलमान बेटियों की तरफ से शकुन के तौर पर मिलेगा मोदी जी को। और मेरी ये बात कहीं पर लिख करके रख लीजिए कि जो बेटियां चुप है मुसलमान बेटियां कि हमारे साथ बुरा ना हो जाए, हमें मार पीट ना दिया जाए, हमारे साथ अश्लीलता ना किया जाए, हम बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन ये उंगली उठाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे, ये मुसलमान बेटियां तय कर चुकी हैं। आप सोचिए कि जिस बच्ची ने ये बात कही है मैंने उसका चेहरा रिवील नहीं किया है, मैंने उसका नाम भी रिवील नहीं किया है, पर सर्वोच्च न्यायपालिका में वो तमाम बेटियों को मैं लेकर के जा रही हूँ, और कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले मैंने एडुकेशन मिनिस्टर पश्चिम बंगाल को मैंने लेटर दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, श्रीमती ममता बनर्जी को दिया है, और एक लेटर नहीं दिया है, तकरीबन 10 से ऊपर मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है और रिमाइंडर दिया है कि इस पर आप गौर करें, इस पर आप सोचे, इसको आप समझे, आप हमेशा मुसलमान पुरुषों के हित में बात करती हैं, जो मुसलमान मर्द बलात्कार करता है आप उसको अपने आंचल का ठंडक देती हैं, लेकिन जो मुसलमान बेटियां पीड़िता हैं, जो अत्याचारित हो रही हैं, आप उनके पक्ष में भी बोलिए क्योंकि आप महिला मुख्यमंत्री हैं। नहीं दिया उन्होंने जवाब। अल्टीमेटली मुझे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना पड़ा और मुझे अपने प्रेयर में चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट को लिखना पड़ा कि एटलीस्ट क्लास 12 करने दीजिए ताकि लड़कियां अपने लिए आवाज ऊंची कर सके कि अचानक से उनका निकाह पॉलीगेमी ना हो जाए, उनका हलाला ना हो जाए, उनका मसियार ना हो जाए, उनका मुत्ता ना हो जाए, उनका तलाक ना हो जाए, और अगर होता है तो क्लास 12 पढ़ी रहेंगी तो आगे पढ़ने का के लिए दरवाजा खुला रहेगा, उनको समझ बूझ आ जाएगी, अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए चिल्ला पाएंगी, 10 जगह जा पाएंगी, बातों को रख पाएंगी। पर क्योंकि चीफ जस्टिस के हाथ बंधे हुए थे, जाहिर सी बात है हाथ बंधे हुए थे, स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल ने एक बार पलक भी नहीं झपकाई, ना हाईकोर्ट के पिटिशन पर और ना मेरे रिप्रेजेंटेशन पर और ना मेरे रिमाइंडर पर। अब आप समझ लीजिए कि जब ईद की नमाज पर श्रीमती ममता बनर्जी यूसीसी की विरोधिता करती हुई नजर आ रही थी और मुसलमान मर्दों को ये बताती भी नजर आ रही थी कि हम यूसीसी नहीं करने देंगे, तुम लोग शादी नहीं कर पाओगे, तो ये बात तो ममता बनर्जी साहिबा को भी पता है कि शादी तो तुम कर ही सकते हो लेकिन 4 शादी नहीं कर पाओगे। कितनी चिंता है हमारी श्रीमती ममता बनर्जी को कि मुसलमान लौंडे लफंदर 4-4 बीवी 4-4 सेक्स टॉय अपने बिस्तर पर रखे, और कितनी नफरत और कितनी घृणा है मुसलमान बेटियों से श्रीमती ममता बनर्जी को जो उन्होंने यूसीसी की विरोधिता की। यूसीसी की विरोधिता करने का मतलब ही होता है कि मुसलमान बेटियों की विरोधिता करना। अब हमारे मुसलमान कम्युनिटी में जो बेटियां बांझ हैं वो तो बच्चा गोद नहीं ले सकती हैं,
उनको तो दूसरी बीवी, तीसरी बीवी या फिर तलाकशुदा बनना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी ने ओवैसी के कच्चे चिट्ठे खोल दिए और तगड़ा भड़क गई ओवैसी के ऊपर। और दूसरी ओर आपने देखा जैसे नाज़िया अली खान जी ने कहा कि इस बार चुनावों में मुस्लिम महिलाएं मोदी जी का साथ देंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।